शहर में लॉकडाउन जारी है लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस और मीडिया बता बता कर थक चुकी है, फिर भी लोग है कि मान नहीं रहे। ऐसे में खुद कोरोना वायरस का प्रतीकात्मक पुतला बड़कर चौक पर लोगों को घर पर ही रहने की चेतावनी दे रहा है। आइए डालते हैं एक नजर। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं जन जागृति भले ही सरकार अब अपने अंदाज में कर रही हो, लेकिन लोग कोरोना वायरस को जरा सा भी डर नहीं रहे हैं। उनके मन में उसके बारे में कोई खौफ भी नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह कुछ हो सकती है, लेकिन कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमित वायरस जो किसी को भी अपने चपेट में लपक झपकते ही ले सकता है। फिर चाहे वो छोटे बच्चे हो या फिर बड़े बुजुर्ग, हर किसी को मौत की नींद सुला दे सकता है। ऐसा है खतरनाक कोरोना वायरस। वुहान से आया ये कोरोना वायरस चीन, अमेरिका, यूरोप, जापान ऐसे कई देशों को तबाह कर भारत में भी दस्तक दिया है। भारत के सभी जिलों में और जिलों के सभी शहरों में इस कोरोना महामारी को रोकने के लिए तमाम प्रबंध किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा काफ़ी अच्छे कामकाज भी किए जा रहे हैं। इतने नहीं तो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शहरों में पूरी तरह से, जी हाँ, अब खुद कोरोना वायरस हर चौराहों में प्रतीकात्मक रूप से ये काम बखूबी के साथ कर रहा है। लोगों को चेतावनी दे रहा है कि आप घरों में ही रहे, क्योंकि अब मैं सड़क में भी आ चुका हूँ। अगर आप घरों में नहीं रहोगे तो हो सकता है बहुत जल्द मैं अपने गिरफ्त में आपको ले सकता हूँ। भलाई इसी में कि आप घरों में रहे, मुझसे दूर रहे, मेरे करीब आने की कोशिश ना करे। जो करीब आने की कोशिश करेगा मैं उसको यकीनन अपने गले लगा लूँगा। यही मैसेज यह प्रतीकात्मक पुतला बड़कर चौक पे बड़ी शान से सभी लोगों को दे रहा है। लोग भी चक्कर काटते हुए इसे देखते हुए हंसते हंसते घर जा रहे हैं, लेकिन यह हंसने की बात नहीं है। दर्शकों, इस समय में इन विषय की टीम बड़कर चौक यानी पंडित बच्चराज व्यास चौक पे खड़ी है और हम आपको बता दें कि यहाँ पे कोरोना से एक ऐसी मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है, देख सकते हैं आप, और ये वो प्रतीत कर रही है, लोगों को बार बार बता रही है कि लॉकडाउन के चलते अपने घरों में रहे। ये संदेश सरकार बार बार इस प्रकार का आदेश दे चुका है, कुछ हद तक शहर के लोग इसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोग लॉकडाउन समझ नहीं रहे, कोरोना वायरस को गंभीरता से ले नहीं रहे, फिर आखिरकार लोगों को समझ कैसे आएंगी। इसलिए खुद कोरोना ये वायरस की एक ऐसी प्रतिमाएं बनाई गई है जिसके अंदर ये कोरोना का, देख सकते कि जिसने भी बनाए बखूबी के साथ ये कोरोना का एक ऐसी मूर्ति बनाई हुई है। उसके हाथ में दिया गया कि घर पर ही रहिए, इस प्रकार का, घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। खुद कोरोना वायरस बोल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस जानता है कि यदि मैं बाहर निकल जाऊं और भीड़ भाड़ में निकल जाऊं तो सबको मैं मौत की नींद सुला दूं। ऐसा वो भी चाहता है कि नहीं होना चाहिए। अब लोगों का मानना न मानना उनके ऊपर में। अब देख सकते हैं कि थोड़ा इधर आइए, मैं ये बताइए, दूसरी मूर्ति है कि हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ, ये गुलाब का एक फूल भी दिखाई दे रहा है, देखिए ये हाथ में ये फूल लिए हुए ये मूर्ति बता रहे कि देर लगेगी मगर सही होगा, आप घरों में रहिए, घर से बाहर नहीं निकलेगा, इस प्रकार की बातचीत करते हुए ये मूर्ति दिखाई दे रही है। और लॉकडाउन थोड़ा सा इधर पे बताइए कि देखिए कुछ दुकानें जो पूरी तरह से इधर में बंद दिखाई दे रही है, तो ऐसे में थोड़ा इधर पहन करके आप बताइए कि यहाँ पे भी वो जो जा रहा है सीधा केलीबाग रोड जो महल चौक की ओर जा रहा है, इक्का दुक्का वाहन जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से दुकानें बंद हो चुकी है। अब कुछ राहगीर लोग सड़क से जा आ रहे हैं, आइए कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि ये जिस प्रकार से मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है, क्या कारण है, क्या संदेश देना चाहती है ये मूर्ति? ये मूर्ति खुद संदेश दे रही है, अब इंसानों से, पुलिस कर्मियों से नहीं मान रहे हैं, सामान्य नागरिक नहीं मान रहे। आप देख रहे हो कि सरास कैसे उल्लंघन हो रहा है कायदे का, क्या शासन ने अपने अपने स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए ही यह कायदा बनाया गया है, फिर भी जिसका आप देख रहे हो किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है। परिवार अपने पूरे परिजनों के साथ घूमने निकल रहे हैं, अगर एक बार मृत्यु का प्रमाण अगर बढ़ गया तो इसे रोकना हमारे हाथ में संभव बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस मूर्ति के मार्फत आप हम ये संदेश दे रहे हैं कि आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्या आपको लगता है कि लोग इस मूर्ति, जहां एक और शासन प्रशासन का लोग नहीं मान रहे, तो क्या आपको लगता है कि लोग इस मूर्ति द्वारा दिए गए संदेश का पालन करेंगे? जब तक मृत्यु का प्रमाण बढ़ता नहीं, इसे गंभीरता से लेते नहीं है लोग,
तब तक इनकी इनका विचार बदलेगा नहीं और ये पालन करेगी नहीं, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल, ऐसे समय में लोगों ने पालन करना यही एक ऐसा सरल और सीधा रास्ता है जिसके चलते कोरोना वायरस इस महामारी से बचने के लिए, उसकी रोकथाम करने के लिए ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, बशर्ते हमें घर में रहना होगा, लॉकडाउन के चलते भीड़भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना होगा, सैनिटाइजिंग हाथ को करना होगा, मास्क लगाना होगा इस तरह से, और हमें अपनी प्रिकॉशन खुद लेना होगा, तब कहीं कोरोना वायरस हमसे दूर हो सकता है। नागपुर के इस ऐतिहासिक बड़का चौक से कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।